अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक इन लेक्चर नंबर चैप्टर 23 की। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 30 और 21 के सवाल। तो इसी तरह के जो सवाल है वो जो बोलेगी, बट मैंने इधर क्या कहते हैं यहाँ पे लिख दिए गए हैं। ये इसका क्वेश्चन वन का सवाल है, ये क्वेश्चन टू का सवाल है और ये क्वेश्चन थ्री का सवाल है। तो आप जो वो बोलेगी तो आपने इधर खुद में दोबारा मैं रिपीट करूंगा, पहले वो सवाल बोलेगी ये वाला, देन वो ये वाला बोलेगी। तो मैं इस पे माउस को क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि ये आपका लिसनिंग का ही आपको खुद जज करना है। मैंने जस्ट लिखा इसलिए कि आपकी जो सी है वो प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो 23과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 할아버지는 지금 뭐 하세요? 방에서 주무세요. ठीक है, आपने इसका साउंड सुना। वो कहता है कि हारोबोजी का मतलब होता है कि दादा अबू, और छिगम का मतलब होता है इस वक्त, मो का मतलब क्या, हासे यो कर रहे हैं। कहता है दादा अबू इस वक्त क्या कर रहे हैं, तो वो कहता है कि फंगे सो छुमू से यो। तो कहता है कि घर में सो रहे हैं, तो रेस्ट वगैरह कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो ये हो गया। तो अब हमने ऑप्शन देखने हैं जी इसमें। तो ये पहला वाला ठीक है, सो रहे हैं, आगे तो ये बोल रहे हैं, खा रहे हैं और चीजें दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर वन टिक कर लें। इसी तरह वो क्वेश्चन टू बोलेगा, आपने क्वेश्चन टू सुनना है। 2번. 할아버지는 지금 어디 사세요? 작년에 돌아가셨어요. ठीक है, उसने अब आगे इस ये सवाल आप उसने बोला कि आगे वो कहता है हारो बोजीनन छीगम ओदी सासे यो। वो कहता है कि चक न्योन ने थोड़ा खा स्यो सोयो। तो हो गया कि जी वो पूछता है कि आपके जो से दादा बू हैं अभी कहाँ रहते हैं। वो कहता है कि वो लास्ट ईयर, लास्ट इसका मतलब हो गया लास्ट ईयर, और इसका मतलब हो गया थोड़ा गा का मतलब हो गया कि फोत हो गए हैं, चल बसे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो थ्री जो सी है वो टेक कर लें। अभी ये क्वेश्चन नंबर थ्री बोलेगा, आपने क्वेश्चन नंबर जो थ्री है ना आपने वो सुनना है। 3번. 한국에서는 지하철에서 할아버지, 할머니를 보면 자리를 양보해야 합니다. मतलब कि हंगुगे सोनन कोरिया में चीहा छोल छोल का मतलब हो गया सब, और एसो वो इसका टाइम मार्कर है ये वो लगा हुआ। तो आगे से कहता है कि जब बैठे हैं तो आगे लिखा हुआ हाड़ो बोजी और हाल मोनी रल, मतलब कि दादा बू या दादी अम्मी वगैरह जो सी होती हैं उन्हें आपको देखते देख कर जो सी है इसका मतलब छारी सीट वगैरह। और यंग फो है, यंग फो का मतलब होता है ऑफर करना कि सीट जो सी ऑफर कार्ड देनी चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर जो वन है वो टिक किया, वो आप टिक कर लें। इसी तरह क्या कहते हैं, अब ये क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव है। तो इसका अब छोटा सा या ये अब इसका साउंड क्या कहते हैं छोटा, या इसका मैं वैसे बोल ही देता हूँ। तो वो चौथे में कहते हैं कि आबो जीना मूसन इरल हासे यो। तो मतलब क्या कहता है कि अब्बू जी कौन सा काम जोन सा है वो करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जी वो कहता है कि अबू जोन से हैं वो ठीक हैं, छल छी ने सो यो अबू ठीक हैं। इसका मतलब हो गया कि छैगल इल गो यो के बुक जोन से वो बुक की रीडिंग करते हैं। इसका मतलब हो गया हवेसा है थानी से यो के जोन सा है वो कंपनी वगैरह में जाते हैं। और इसका मतलब हो गया कि थाम छुए आबो जीगा उसे यो हो गया, मतलब कि मेरे फादर जो से वो नेक्स्ट वीक में आएंगे। थाम का मतलब नेक्स्ट हो गया और छुए का मतलब हो गया वीक, और इसका आबो जी आए और उसे यो का मतलब हो गया कि आएंगे। तो उसने पूछा कि आपके अबू जी जो से कौन सा काम करते हैं, तो उसने कहा था कि जी मेरे अबू जो से वो कंपनी में जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर थ्री जो सी है ठीक। तो इसमें उसने कहा था दूसरे इसमें कहा है कहते कि शिल्यो जीमन सोंग हामी ओथो गे थ्वे से यो। कहता है कि माफ करना आपका नाम क्या है। तो इसका मतलब हो गया माफ करना,
और इसका मतलब हो गया नेम या बुजुर्गों के लिए यूज होता है, ओथो के का मतलब हो गया कि क्या के नाम पे, वैसे कैसे होता है लेकिन इधर क्या के नाम पे उसने दिया हुआ है। और इसका है कहता है माफ करना वैसे आपका के नाम क्या है, तो वो कहता है इसमें पहले में वो कहता है जी 60 साल उम्र है, तो ये सुन आगे लिखा है 60 और साल का मतलब इसने बड़ों के लिए इधर साल एज वगैरह के लिए यूज किया हुआ है। और दूसरे में लिखा है कि जी अक्टूबर की 24 तारीख है, ये वोल जोन सा था ये मंथ के साथ लगता है और इल जोन सा था ये डेट के साथ लगता है। कहता है अक्टूबर की 24 तारीख है, तो उड़ी का मतलब होता है कि आवर, और ये हल मोनी मतलब ग्रैंड मदर, कहते हैं जी ये हमारी ग्रैंड मदर है। और इधर लिखा होगा छोनन जोन सा है वो, इसका ये वर्ड आ गया ई योंग सूरा गो और हमिदा। कहता है मैं जोन सा है वो ली योंग सू, तो ये उसका वर्ड है क्योंकि छोनन, और आगे मेरा नेम नेम आपको पता ना कि जो आपका नाम होता है छोनन डैश हमिदा हमिदा वगैरह। कहता है कि मेरा नाम जोन सा है वो जो है वो ली योंग सू है, तो ऑप्शन जो नंबर जो सी 4 है वो टिक कर लें। तो इसी तरह अब आगे चलते हैं जी 21 के सवालों पे। तो ये पहले मैं कहता जी डायग्राम को देखे जो बिल्कुल दुरुस्त है उसे चूज करें। तो डायग्राम जो पहली है वो कहता जी ग्रह, इसमें कहता कि ये पहले सब में लिखा हुआ है हारो बोजी का कि अफा ग्रैंड फादर, इसका मतलब होता है सिख, ग्रैंड फादर जो है वो बीमार है, ग्रैंड फादर जो है वो कमरे में रह रहे हैं, फंग का मतलब रूम होता है, इसका मतलब होता है टू स्टे, और इसका मतलब आगे लिखा हो ग्रैंड फादर खाना वगैरह खा रहे हैं, ईट मील शिक्स डाइनिंग टेबल वगैरह, ईटिंग वगैरह होता है हासी और करना। तो तीसरा में लिखा है ग्रैंड फादर फी फिम फफल जो सा है वो खा रहे हैं, ये थासे यो ईट बड़ों के लिए यूज होता है। तो ये घर के अंदर कमरे के अंदर है, तो वो स्टे जो सा सेकंड है वो टिक कर लें। ये जो ऑप्शन 2 में वो जो सा इसने क्रॉस बनाया हुआ डायग्राम पे के जूते पहन के अंदर दाखिल नहीं होते, तो इसका हो गया कि जी कोरिया, जो ऑप्शन हम देखते हैं जो सही है उसको टिक करना है। पहले वो कहता है कि जी कोरिया में लेग के ऊपर लेग नहीं रखनी चाहिए, हंगू के कोरिया और थाड़ी मतलब लेग होता है, और इसका मतलब थोल में उनका मतलब थोल का मतलब होता है जो से लेग के ऊपर लेग रखना। तो और ये मियोन अनथेमिदा मैंने आपको बताया था कि ग्रामर है नहीं किसी चीज को रोकते हैं, कहते हैं लेग के ऊपर लेग नहीं रखनी चाहिए। दूसरे में वो कहता है कि कोरिया में घर में फर्श पर बैठना चाहिए, छिपे घर हो गया और इसका मतलब फादक का मतलब हो गया फर्श, कहता है और अन इसका मतलब होता है सीट, कहता है कि कोरिया में फर्श पे जो सा वो घर में फर्श पर बैठता हूँ। और तीसरा लिखा हुआ कि कोरिया में चम्मच जो सा वो स्पून जो सा वो चम्मच आपको जो सा उसके आपको पुट नहीं करना चाहिए उस किसी चीज के अंदर, या होल्ड जो सा वो नहीं करना चाहिए, तो फप्पे मतलब के खाना खाते हुए या राइस के अंदर जो सा था चम्मच नहीं आप रख सकते। फप का मतलब राइस वगैरह हो गया, सूत वगैरह का मतलब हो गया स्पून वगैरह, खोद का मतलब हो गया होल्ड वगैरह करना पुट करना, तो कहता कि आपको चम्मच जो सा उसके अंदर नहीं रखना चाहिए। और चौथे में वो कहता है कि कोरिया में जूते पहनकर अंदर नहीं आना चाहिए, तो कोरिया हो गया छिप हाउस हो गया, और इसका के अंदर वगैरह जब आए तो तब इसका मतलब वियर वियर जो से आपको पहनकर नहीं आना चाहिए, तो शूज वगैरह पहन के। इधर जो सा है वो उसने मुंह दूसरी तरफ किया हुआ है, तो कहता कि जी इस मुंह का मतलब हुआ कि आपको इसने गिलास पकड़ा हुआ थे, कहता कि ये ड्रिंक वगैरह कर रहा है और बाद ड्रिंक वगैरह कर रहा है दूसरी तरफ मुंह करके। तो पहला जो सा लिखा हुआ कहता जी हमें बड़ों से झुककर बात करनी चाहिए, थोड़ी मतलब झुकना, और आगे क्या कहते हैं इंसा अदाब वगैरह बात करनी चाहिए, अदाब से पेश आना चाहिए, तो ये हो गया। दूसरे में वो कहता है कि हमें बड़ों के सामने चुप रहा रहना चाहिए, चुप रहकर खाना खाना चाहिए जो सा है। अफे फ्रंट हो गया, ओरन का मतलब होता है बुजुर्ग अडल्ट, अफे का मतलब हो गया के सामने है, और इसका मतलब हो गया साइलेंट, फप का मतलब राइस और इसका मतलब ईट, कहता है हमें बड़ों के सामने चुप रह के जो सा है वो खाना खाना चाहिए। और ओरन कहता है अफे बड़ों के सामने जो सा थारी डल जो सा लात को, कहता है हमें बड़ों के सामने लात पर लात रख के नहीं बैठना चाहिए। तो इसी तरह क्या कहते हैं कि इधर कहता है कि बड़ों के सामने जो सा खोगे का मतलब हो गया थोली को, कि मुंह दूसरी तरफ नहीं करना चाहिए, और इसका मतलब शराब और इसका मतलब ड्रिंक, कहता है मुंह दूसरी तरफ नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ मुंह करके जो सा वो शराब नहीं पीना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 जो सी वो टिक कर लें। तो इसी तरह क्या कहते हैं 4 और 5 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है जी फिल इन द ब्लैंक में जो सी सही है उसे आप ठीक जो सा सही वर्ड है उसे आप इधर पुट कर दें। तो इसी तरह वो इसमें कहता है छोवी का मतलब माई हो गया, और हलमोनी का मतलब ग्रैंड मदर हो गया, डैश ई और गा जो सा ये सब्जेक्ट मार्कर है, ये मैंने इस पर वीडियोज बनाई हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके आप 3 वीडियोस हैं इंशाल्लाह मजीद भी बना दूंगा,
बट वो आप जाके देख लें। तो आगे वो कहता है कि मन हा का मतलब होता है ज्यादा, मच, और मेल हो गया एवरीडे, उनथोंग हो गया कि एक्सरसाइज हो गया, और हासिल करना वो इसका मतलब होता है हेल्थी। तो यहाँ पे वो कहता है कि मेरी जो ग्रैंड मदर है डैश हैं, ज्यादा वो जो सी हैं डेली एक्सरसाइज करती हैं और वो फिट हैं, एक्सरसाइज मतलब कि हेल्थी हैं। तो इधर हमने देखना है कि इधर ऑप्शन कौन सी आएगी, वो मेरी ग्रैंड मदर जो हैं डैश हैं वो ज्यादा कहते हैं करती हैं, रोज वो एक्सरसाइज करती हैं, वो फिट हैं। तो थैक का मतलब हाउस होता है, इसका मतलब सोंगहम का नाम होता है, और इसका योनसी एज होता है, और इसका बर्थडे होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो सी है वो ठीक है कि हम कहेंगे मेरी हमारी जो ग्रैंड मदर है वो ज्यादा उम्र की है और वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज डेली एक्सरसाइज करती हैं, वो क्या कहते हैं हेल्थी हैं। तो पांचवे में फिर वो कहते हैं कि इसका मतलब हो गया हंगु गे सोनन का कोरिया हो गया, इसका मतलब हो गया कि बुजुर्ग हो गया, और इसका मतलब हो गया हम गे का मतलब हो गया टुगेदर, और इसका मतलब टू हैव होता थे जब हो गया, और ये जो सा है ना छिख्यो या डिफेंड करना, टेक केयर करना, हल करना, और ये जो सा है ना ये जोड़े, ये जोड़ी का मतलब हो गया कि मैनर्स, ये जोल होता है बट यहाँ पे रियल आगे चले जाएगा ई एन की जगह, तो ये जोड़ी मैनर्स हो गया, और इसका मतलब होता है मच, और मूल गोन थिंग्स वगैरह हो गया, और छुगो का मतलब लेना, छुगो का मतलब देना, और फदल का मतलब देना, लेने देने की जो सी होती है, तब बुजुर्गों के साथ जो शायद दू दू ये काउंटिंग का वर्ड है दो, और सोन का मतलब हैंड दोनों हाथों से, ये डायरेक्शन ग्रामर का वर्ड है ये, के जब आप डायरेक्शन बता देंगे जी दोनों हाथों से कि डायरेक्शन हो गई, और मूल कौन चीजें डैश, तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया जी कि कोरिया में बुजुर्गों के साथ एक एहतियात बरतनी चाहिए, और मैनर्स जो से होते हैं वो बहुत ज्यादा उनसे एहतियात बरतनी चाहिए, मैनर्स में चीज जब भी लेनी हो या देनी हो, देनी हो या लेनी हो, तब बुजुर्गों से दोनों हाथों से चीजें डैश। अब इस डैश में क्या आएगा फिर हिंदी ब्लैंक में, पहले का मतलब है देना, तो दोनों हाथों से चीजें देनी चाहिए, दोनों हाथों से चीजें आपको जरूर देनी चाहिए, तो इसका आ गया कि आपको दोनों हाथों जो सी चीजें पास करनी चाहिए, पास वे हो गया, और इसका मतलब हो गया कि बेंड करना जो सा है वो आ गया कि आपको आपके झुकना चाहिए, दोनों हाथों से झुकना चाहिए। जो ऑप्शन नंबर इधर ठीक है वो आएगा 2, कहते हैं कि पहले मुझसे कहते सिर्फ देनी चाहिए आपको चीजें देनी चाहिए, और इसमें कहता कि आपको यू मस्ट गिव कि फोर्स किया, ये जो होता है ना ये वाला ये शुल्ड और मस्ट के तौर पे यूज होता है, शुल्ड के तौर पे, शुल्ड जब भी हम इंग्लिश में लगाते हैं वो जोर लगा के मतलब कि आप किसी चीज को फोर्सफुली कहते हैं आपको ये करना चाहिए, यू हैव टू डू दिस और यू शुड हैव टू डू दिस। तो इसी वे में आपको जो सा ये ऑप्शन नंबर 2 जो सा ऐसे टिक कर लें, तो ये आपके यहाँ पे खत्म हो गया। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा, एटलीस्ट लाइक जरूर कर दिया करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाजत है, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।